शाहजी आइए आइए, तशरीफ रखिए शाहजी, बैठिए बैठिए। खैरियत तो है ना? अल्लाह ये लीजिए शाहजी, देखिए ये मैंने आपके लिए अपने हाथ से बनाया। कहने को तो मैं कुम्हार हूँ शाहजी, लेकिन हम तो तुम्हें फनकार समझते हैं। वाह वाह, कमाल कर दिया। कहाँ खो जाते हो शर्फू? जी बस कहीं नहीं। कुछ तो है, हमें भी ना बताओ। हम तो तुम्हें अपना दोस्त समझते हैं। बस क्या बताऊं शाहजी, एक ख्वाब है जो पहले बंद आंखों से देखा करता था और अब खुली आंखों से देखता हूँ। खुली आंखों का ख्वाब? आज अपनी बेटी रानी की बारात का ख्वाब। बेटी की बारात धूमधाम से आए और वो दुल्हन बनकर बड़े घर में जाए, ये ख्वाहिश किस बाप की नहीं होती। लेकिन ख्वाहिश की इतनी शिद्दत कि वो ख्वाब बनकर आंखों में बस जाए, मैंने तुम्हें ही देखी है शर्फू। वो इसलिए शाहजी कि मैं अपनी बीवी को एक ऐसे घर में ब्याह कर लाया था जहां शौहर की मोहब्बत के सिवा कुछ न था। लेकिन मोहब्बत से पेट नहीं भरता शाहजी, पेट तो रोटी से भरता है ना। इसीलिए मैं अपनी बिटिया रानी के बड़े घर में राज करने के ख्वाब देखता हूँ। ख्वाब देखना छोड़ दो शर्फू, ख्वाबों की ताबीर उलट। इसे आगे कुछ मत कहना शाहजी, इसे आगे कुछ मत कहना, मैं इसे बद्दुआ समझूंगा। नहीं शर्फू, हम तो दुआ देते हैं। तुम्हारी बेटी की बारात बड़ी धूमधाम से आए और वो वहाँ राज कर।
तेरे दामन में वो फूल खिले जिससे सारी दुनिया महके। तेरे दामन में वो फूल खिले जिससे सारी दुनिया महके। उसकी तकदीर संवर जाए जो तुझको एक नजर देख। तेरा पांव जहां भी पड़ जाए, तेरा पांव जहां भी पड़ जाए वो मट्टी सोना बन जाए, वो मट्टी सोना बन जाए। बाबुल तो दुआएं देता है। अरे ये आधी रात को फाड़ मिरासियों की तरह गला फाड़ने से राज नहीं होता, राज होता है नसीबों से। और बेटी का नसीब कोई शत्रु को मारकर चाक नहीं जो तुम्हारे हाथ के किसान से पैर लगे। अरे बिटिया ये चंगेज खान जाग रहे थे। जी नहीं, मैं तो बड़े मजे से सो रही थी। मैं तो क्या तुम्हारी दर्दनाक आवाज से सारा मोहल्ला जाग पड़ा होगा और कोस रहा होगा तुम्हें। अरे लाडली की माँ, ये नसीबन का बच्चा जो सारी रात रोकर हमें जगाता है, हम तो उसे नहीं कोसते। अच्छा अच्छा पागल चला। लो ठुनसो, अब जरा एहतियात किया करो। अब वो उम्र नहीं रही जब सर्दों में लंगोट कसकर बाँस बनाते फिरते थे। अरे रानी की माँ, तुम्हें क्या बता, इन बूढ़े बाजुओं में अभी भी बड़ा दमखम है। तुम तो चार कोस पे जाके सो जाती हो। अरे कुछ जवान बेटी का ख्याल किया करो। डर गया ना? एक दफा और कर, अच्छा लगता है। चल बेशरम कहने का। कहीं और का नहीं, तेरे गांव का। अब मैं तुझसे मिलने नहीं आऊंगी। चल मैं आ जा करूंगा पटाखा लेकर। पटाखा नहीं, बारात लेकर जरूर आऊंगा। और ऐसी बारात लेकर आऊंगा जिसकी मिसाल पूरे गांव में मिलेगी। अम्मो, तुमने अपने अब्बू से भी बात की है? तुमने भी अपने अब्बू से बात की है? मैं कैसे कर सकती हूँ? बढ़िया से अब्बू जी, मैं अनवर से शादी करना चाहती हूँ। मुझे शर्म आती है। तो शर्म तो मुझे भी आती है। कहीं शर्म शर्म में मुझे कोई और ब्याह के लिए गया तू? कयामत आ जाएगी, तू किसी और के साथ डोली में बैठ के जा सकेगी ना। लड़कियां तो दो डंगर होती हैं। इस खूंटे के साथ माँ बाप ने बांधा बंदी। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं। करीमू भैया, अहमदाबाद से फिर गए? भाई शादी का सारा काम मैं ही करता हूँ। मैं ना हूँ तो शादी का पूरा कारोबार ठप हो जाए। अहमदाबाद में उनकी एक जमीन का टुकड़ा था, वो बेच के आ रहा हूँ। सारा ही टुकड़ा तुम्हें अकेला ही बेचा? कितने का बेचा? 10,000 रुपए का। 10,000 का? सारा रुपये तुम्हारे पास? तो और क्या, ये देखो। अरे गजब हो ही गवा करी भैया। क्यों, क्या हुआ? अरे तुम्हारे को नहीं मालूम है कि जिस रास्ते से हम गुजर के नहीं आ रहे? अरे ये रास्ते में तो बड़ा ही खतरनाक डाकू हो गए, बहराम डाकू। बहराम डाकू? अरे दो ही बार पुलिस से मुकाबला कर चुका, काय बताई सबको मार भगाया। अरे हमसे मुकाबला होगा तो देखा जाएगा। बड़े बड़े डाकुओं को मैंने अकेले मार भगाया है, बहराम डाकू क्या चीज है? यूं ही नहीं, ये देख असला साथ लेके फिरता हूँ नादान कोचवान। बहराम डाकू? क्या उस सामने का उन्हें? अरे बहराम डाकू और उसके साथ है। राम डाकू चल तू जलाल तो भाई प्लग को डाल दे। अब फूक निकल पड़ी, डाल दू जलाल तू। अरे हम गए थे तुम्हारे को उस वक्त जज्बात में कि हमारी कलपत्तियां उड़ा रहे थे तुम। अरे निकालो पिस्तौल निवरना। अरे आपस की बात है, ये पिस्तौल नकली है सिर्फ डराने धमकाने के लिए। अरे तो फिर जलाओ धमकाओ। अरे बोलो कुछ भाई।
वो जो डाकू जानते नहीं मैं कौन हूँ, मैं आपका खादिम हूँ, ये लीजिए पैसे, ये असला, ये मैं गया। कैसा कारनामा दिखाया है, अरे बाप रे बाप, इतनी बड़ी रकम, मजाक ही मजाक में पांच नोटों तक आ पहुंची। तुम लोग ऐसा करो, तुम घर चलो, मैं ये सहरा शादी को देकर आती हूँ, जल्दी करो। हाथी के बच्चे क्यों चीख रहे हो, खैरियत तो है? चाची मैं मर गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरा बेड़ा गर्क हो गया, बल्कि मेरा बेड़ा क्या गर्क हुआ, आपका बेड़ा गर्क हो गया है। आप भगते हो, मेरा बेड़ा गर्क हो गया? हाँ, वो कैसे? वो जो रकम मैं जमीन बेच के ला रहा था वो बहराम डाकू ने छीन ली। हम डाकू ने छीन ली? हाँ। ये कैसे मुमकिन? जबरदस्त लड़ाई के बाद, चंगो चुदल के बाद, मुकाबले के बाद, मैं एक था और वो सैकड़ों, वो बुद्धिली से मारते रहे और मैं बहादुरी से मार खाता रहा, और फिर जब फतह नुसरत मेरे कदम चूमने वाली थी तो उन्होंने आतशी असला निकाल लिया। आतशी असला देखने के बाद मैंने सोचा इससे इलाके का अमन बर्बाद हो जाएगा, लिहाजा मैं उन्हें छोड़कर यहाँ भाग आया। चलो अच्छा हुआ तुम्हारी जान तो बच गई। मुझे आपसे यही उम्मीद थी। करीमू मियां जी, जहाँ तक जान बचा कर भागने का ताल्लुक है वो तो दुरुस्त है, तुमसे तेज बहराम तो क्या हिरण का बच्चा नहीं भाग सकता, लेकिन बहराम से मुकाबले वाली बात कुछ कुछ मशकूक है मियां। आप मशकूक कह रहे? अगर वो अकेला होता तो मैं बाहर मार के उसका भुरकस निकाल देता, गिरफ्तार करके आपके कदमों में फेंक देता। क्या हुआ अप्पू जी, आपने तो कुछ नहीं कहा? नहीं तो तुम्हारी ये घी क्यों बन गई, आखिर हुआ क्या कुछ बको भी? अरे रानी बिटिया तुम इस लिबास में? शाहजी हिमान से हम तो मजाक कर रहे थे, लेकिन ये इतना खौफ सदा हुआ कि तमाम रकम मेरे कदमों में रख के भाग गया। शराफत भी तो कोई चीज होती है शाहजी। अबे शराफत अली, तुम तो बड़ी ढींगे मारते थे, हमारी रानी बिटिया से डर गए? शाहजी ये क्या, हमसे तो बड़े बड़े डर जाते हैं। ये लीजिए पूरे हैं। लाइबू मैं गिन लूं? गिनने की जरूरत नहीं, हमें अपनी रानी बेटी पर एतबाद है। लो बेटी ये तुम्हारा इनाम। ये क्या, मैंने इनाम लेने के लिए थोड़ी ऐसा किया था। इनकार करोगी तो हम समझेंगे तुम हमें गैर समझती हो। शाहजी दरअसल ये बात नहीं, बाबा नाराज होंगे। अच्छा जैसे तुम्हारी मर्जी। अबू जी ये पैसे मुझे दे दे। चल बे चल बे। रानी और रानी चल बे रास्ता छोड़। यू मंथन के कहाँ से आ रही है? माँ के साथ मेले गई थी, माँ रास्ते में मासी नजीरा के पास रुक गई और मैं तेरे पास आ गई। अच्छा मेले में क्या देखा? अरे हाँ बस वहाँ मैंने बहुत सारे मोर देखे। अरे तू तो खुद मोरनी है। हे? सच? ये ठीक है, मैं मोरनी और तू मोर। Thank you.
तुम्हारी शादी? ये अब मुझे इशारा क्या कर रहे? मैं तो वही कह रहा हूँ जो हम तो तुम जाया था। इसका मतलब है ये सब अनवर की शरारत है। तुम दोनों अब्बू जी वो शादी थी। अब्बू जी के बच्चे मुर्गा बन जाओ, दोनों मुर्गा बन जाओ। बन दो, इनका ख्याल रखो, मैं इनके लिए शादी का बंदोबस्त करके आता हूँ। नालायक कहीं के। मुर्गे का जवाब मुर्गे से दिया जाएगा। शाजी करीमू, रानी को खबर दी जाए कि कल ड्रामा होगा। सस्ती दुकान तवीजों की ये है दुकान, यानी तवीजों की क्लियरेंस से। तेरा ग्राहक है? तेरा कैसे ग्राहक है? अबे तेरा कैसे ग्राहक है? मैं इसका इलाज करूंगा, मैं इसका तवीज दूंगा, मैं इसके लिए दुआएं करूंगा, मैं इसके लिए बद्दुआ करूंगा। ले जा ले जा भाई, ये दाद हमें मारा नहीं खाता। अच्छा मेहरबानी। अभी उधर ही तशरीफ ले जाइए, वो पीर बहुत दूर तक पहुँचे हुए। उनसे तो मैं मिल लिया हूँ, अब देखना ये है कि तुम्हारे फकीर कहाँ तक पहुँचे हुए। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मेरे बच्चा, बैठ जाओ। पीर साहब, मैंने आपकी बड़ी तारीफ सुनी, अगर आप मेरे यहाँ आने की वजह बता दें तो मैं आपको मान जाऊँ। हमसे कुछ नहीं छुपा मेरे बच्चा, हम देख रहे हैं कि तुम अपने बेटे अनवर से बहुत तंग हो। अच्छा बच्चे, तुम हमें अपना बुजुर्ग मानते हो? जी जी बिल्कुल। हम तुम्हारा भला चाहते हैं? जरूर चाहते हैं जी। तो फिर इसी भले के लिए अगर हम तुम्हें कहें कि तुम मुर्गा बन जाओ जी, लेकिन हम भी नहीं कहेंगे बच्चा, तुम भी मत कहा करो, जाओ, हम तुम दोनों के हक में दुआ करेंगे। जाओ बच्चा, अब हमारी इबादत का वक्त है। इबादत का तो नहीं, अलबत्ता तुम्हारी शामत का वक्त हो रहा है। अब्बू जी आए पहुंचे हो, मैं भी कहूँ मेरे घर का हाल कैसे जानता है। अम्मा जी फिर निशाने पे बैठ गई। रानी, ओ रानी, आई माँ। अरे आप भी चुप, एक बस अकीके में जा रही है, इस बार दिखावे में नहीं जा रही। अरे क्यों गला फाड़ फाड़ के चीखती है रानी की माँ? तेरी जबान भी मेरे क्या की तरह चलती है,
ये चलते चलते रुक गया, तेरी जबान नहीं रुकती। देखो जी मेरा मुंह मत लगना वरना। क्या आता है, कुछ तोता हूँ तेरे मुंह लगूंगा। अच्छा अभी लड़ाई का वक्त नहीं है मेरे पास, मैं जरा अतीत में जा रही हूँ। रानी ओ रानी, अरे तू फिर बीच में बोला तोते का बच्चा, तोते की बच्ची तू, तोते की बच्ची तू, तोते की बच्ची तू। अरे क्यों गीली मिट्टी की तरह है ये, अरे आजा बिटिया जल्दी हो रही है इसे।
सामने गोरी के सजे ना खड़ा था चिकने घड़े में पानी भरा था सामने गोरी के सजे ना खड़ा था कैसे मिजाज है अल्लाह का शुक्र है तो ये है वो शहजादा जिसकी सालगिरह हो रही है जी हाँ जी माशाल्लाह माशाल्लाह आपको मुबारक हो खैर मुबारक आपको भी हो अरे वाह भाई वाह बड़े बड़े लोग आए हुए हैं बड़ा हल्ला गुल्ला है अच्छा तो भाई ये लो बच्चे की खर्ची ओ शाहजी आप क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं बड़ा इसकी क्या जरूरत है अरे भाई इसमें शर्मिंदा होने की क्या बात है जैसे तुम्हारा बेटा वैसे ही मेरा अनवर एक ही तो बात है बस शाहजी इसी की सालगिरह बड़े शौक से मनाई है हमने बस नहीं देखा मैं अभी खबर लेता हूं तुम्हारी यह क्या होलिया बना रखा है तुमने बोलो जवाब दो अब्बू जी जिस पोजीशन में मैं इस वक्त हूं इस पोजीशन में मैं जवाब नहीं सिर्फ अंडे दे सकता हम सात पुश्तों से सैयद है गजब खुदा का तू कहां से मेरा से पैदा हो गया इस घर में इसमें मेरा क्या कसूर है अब्बू जी जब मैं ढोल की आवाज सुनता हूं तो मेरे पैर खुद का खुद थिरकने लगते हैं मेरा ख्याल है कि हमारी पिछली सात पुश्तों में गड़बड़ को जरूर थी तू तो बचपन से एक अजाब बना हुआ है हमारे लिए छोटा सा था को इतना तंग किया करता था कि मजबूरन उसे हाथ उठाना पड़ता था तुझ पर जब मां मुझे मारा करती थी तो ये खून नहीं निकला करता था ऐसा ना कहो अन्नू अन्नू ने मुझे कहे अन्नू मुझे सिर्फ मेरी मां कहा करती थी आप मेरे सिर्फ बाप है मां नहीं बेटे इतना बड़ा ताना ना दो मुझे तुम्हारी मां के मरने के बाद मैंने तुझे मां बनकर पाला है तू कभी बीमार होता तो गोद में उठाकर सारी रात आंखों में काट देता तुझे कभी भूख लगती तो मैं अपने हाथों से तुझे दूध पिलाया करता था क्या क्या तुझे कुछ भी याद नहीं अनु मुझे सब याद है लेकिन आप जब मुझे मारते तो मुझे मां बहुत याद आती है इसका एक ही हल है बेटे तुम जरा यूनिवर्सिटी चले जाओ न तुम मेरे सामने रहोगे न तुम्हारी हरकतों पर मुझे गुस्सा आएगा और ना ही मेरा हाथ उठेगा तुझ पर अबू जी जी बेटे अबू जी इसका एक और हल भी है वो क्या कि आप इन बड़े बड़े हाथों को अपने कंट्रोल में रखें बराबर तुम यूनिवर्सिटी जाओगे और कल ही जाओगे बोलते क्यों नहीं जवाब दे रहा नहीं क्या ये सच है मैं कहती हूँ मोहब्बत करना कोई जुर्म नहीं है मगर अपनी औकात को भूलना सबसे बड़ा जुर्म है अरे रानी की माँ जिन माओ का बेटी के आंसू देखकर कलेजा फटता है वो बेटी की खुशी की खातिर झोली फैला लेते हैं
क्यों नहीं, जब खराब देने वाले हाथों का अंदाजा हो और अपनी झोली में लगे हुए पेवंद भी नजर आ रहे हो तो? अरे झोली में तो हमारी पेवंद लगे हैं ना, हमारी बिटिया रानी तो बेदाग है, जा पूरी तहसील में देख ले, एक भी जैसा चांद नहीं मिलेगा। तुम्हें तो टक्कर करने की आदत है, अजी कोई जरूरी है कि शाजी भी रानी को उसी नजर से देखे जैसे हम देखते हैं। क्यों, शाजी भेंगे हैं क्या? अरे जब चांद चमकता है तो उसे किसी नजर से देखो, चांद रोशन ही नजर आता है। तोते की तरह एक ही बात रख ली है और दोहराते जाते हैं, समझते नहीं कि शादी के घर से सिवाय वायु से क्या कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा तू ज्यादा बकवास मत कर, कल शादी के घर मेरे साथ चल के देख लीजो।
लेकिन ये बता कि तुम जीत लड़की आश्रम से पानी पानी क्यों हो रही है? आज बाबर हूँ, मेरी शादी की बात पक्की करने जा रहे हैं। यानी के तेरी मेरी शादी की बात पक्की हो गई? शादी और तुझसे शक्ल देखी अपनी बंदर कहीं का। बंदरिया कहीं की? कौन मना जा रहा तुझे शादी के लिए? अब मैं कब कहती हूँ कि मैं तुझ पे मरती हूँ? तो फिर मुझे घूर घूर के क्यों देखती थी कभी कभी? तू मुझे घूर घूर के क्यों देखता है कभी कभी? अब कभी नहीं देखूंगा, तुझसे बात भी नहीं करूंगा। ये हमारी आखिरी मुलाकात है, मैं तेरी यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ। अरे पतले, ये हमारी आखिरी मुलाकात ही तो है, इसके बाद तो मैं तुझे दुल्हन बनकर मिलूंगी। अच्छा मैं जा रहा हूँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बात है ना, इसलिए मुंह फेर कर खुदा हाफिज कह दिया। आज माँ होती तो सीने से लगाती, बुला लेती, इमाम जामिन बांधती और आंसू भरी आंखों से खुदा हाफिज कहते हुए खत लिखने की ताकीद करती। मैं तो कहता हूँ जिनकी माँ मर जाए उनको इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं। अम्मा, मेरे बेटे मेरे गले से लग जाओ। अबू, अल्लाह। अबू जी, मैं शहर जा रहा हूँ ना, इसलिए मुझे 500 रुपए चाहिए थे। हाँ हाँ बेटे, 500 तो क्या, तुम करीमू से 1000 रुपए ले लेना। अच्छा? और किसी किस्म की कोई तकलीफ हो तो वापस आ जाना। अच्छा अबू जी, अबू जी आंसू पोछ ले आप। अच्छा बेटे, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज अबू जी, खुदा हाफिज अबू जी। वालेकुम सलाम शर्कू। अरे भाई कैसे हो? अरे वाह, आज तो हमारी भाभी भी आई हैं। बैठो। अरे भाई वहाँ नहीं, हमारे पास बैठो, ये तुम्हारे जेठ का घर है। कहो हाँ जी। बैठो बैठो, कैसे आना हुआ? शादी, आपके खुलूस मोहब्बत और गरीब परवरी ने हमें इतनी हिम्मत बख्शी कि हम अपनी रानी बिटिया के राज का ख्वाब आपके घर देखने लगे। अरे भाई तुम्हें क्या मालूम, हमने भी रानी बिटिया को इस घर की बहू बनाने के ख्वाब देखे। सच? लेकिन हम इतने खुशकिस्मत कहां जो रानी जैसा चांद हमारी इस हवेली को रोशन करे। लेकिन क्यों शाहजी? इसलिए कि हम जात बिरादरी के बाहर शादी नहीं करते, यह हमारा खानदानी असूल है जो 7 पुश्तों से चला आ रहा है। खानदानी असूल? शाहजी, जब भी किसी गरीब की खुशी का सवाल आता है अमीरों के उसूल आड़े आ जाते हैं। कहीं जात बिरादरी का उसूल, कहीं ऊंच नीच का उसूल। ऐसा ना कहो शर्फू, हम जानते हैं झोपड़ों के चिरागों ने हमेशा महल की तारीख को रोशन किया है, हमेशा पस्ती नहीं बुलंदी की तरफ सर उठाकर देखा है, और बुलंदी की तरफ सर उठाकर देखने वाला सरबुलंद कहलाता है। इसलिए हमने इस ऊंच नीच के फर्क को। शाहजी, जिस फर्क को मिटाने का आप दावा करते हैं वो आज भी मौजूद है। है यूं कि अमीर ना कहा शाहजी कह लिया, गरीब ना कहा शर्फू कह के पुकार लिया। हमारी मजबूरी को समझने की कोशिश करो शर्फू, बात को अमारत और गुर्बत का रंग न दो। ये बात बहुत पुरानी हो चुकी है। बात पुरानी हो चुकी है शाहजी, खत नहीं, जहन बदला है, अंदाज नहीं बदला, सब कुछ वही है। आपने जहर की मीठी छुरी जो
शर्फू के गले पे फेरी है, वो शाहजी ना उसे जीने देखी न मरने देखी। मैं आज आपकी चौखट पर खड़े होकर अहद करता हूं कि मेरी बेटी की शादी सैयद घराने में होगी। वो एक अमीर की जिद थी, ये गरीब का आज़्म है। बेटी रोना तो हमें चाहिए कि हम अपनी बेटी को उसकी खुशियां नहीं दे सकते। रानी, अरे क्या है बेटे, क्या बात है, तूने इसे कुछ कहा है? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। आंसू कैसे? अपनी बदनसीबी पर आंसू बहा रही है। तेरे मुंह में खाक, बदनसीब हो मेरी बेटी के दुश्मन। चुप जा बेटा। मेरी बेटी, मैं तो तुझे ये दुआ भी नहीं दे सकता कि मेरे नसीब तुझे लग जाए। मेरे नसीब है तो तेरी माँ की जली कटी सुनने और चाक घुमाने के सिवा कुछ भी नहीं है। चुप हो जा बेटी, चुप हो जा। रानी की माँ तू बात सुन। रानी की बात पक्की कर दी है। क्या शादी मान गए हैं? नहीं, मैंने रानी का रिश्ता जाकिर तारिक राम शाह से करने का फैसला किया है। जाकिर तारिक राम शाह कोई बहुत बड़ा आदमी है क्या? हाँ, बड़ा भी है, सैयद भी है। फिर तो हमारी बेटी के नसीब जाग उठे हैं। मैं... अरे लेकिन तुम क्यों उदास हो? मैं नहीं, मैं उदास नहीं हूं। समझ गई, बेटी की जुदाई के दुख ने उदास कर दिया है। हाँ दादी, क्यों, मैं सोचता हूं उसके बगैर जिंदा कैसे रहूंगा। अरे खुद ही तो दिन रात उसे घर से निकालने के मुतालिक सोचते थे और अब खुद ही उससे बिछड़ने का सोचकर रो पड़े। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता करीमू। रानी की शादी किसी और से नहीं हो सकती। मैं अब्बू से कहकर ये शादी रुकवा दूंगा। शादी रोकना बच्चों का खेल नहीं है बेटे, ये किसी की इज्जत का सवाल होता है। ये आपके बेटे की जिंदगी का सवाल है अब्बू। लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता, बहुत देर हो चुकी है। लेकिन मैं तो आपके पास वक्त से पहुंच गया था शाहजी। शर्फू, बेटे को भी धोखा देने की कोशिश कर रहे हो? चले जाओ यहां से, निकल जाओ यहां से शर्फू, चले जाओ। तमीज से बात कीजिए शाहजी, आपने मुझे भाई कहा था, उस नाते से मैं अपनी बेटी की शादी का दावतनामा लेकर आपके पास आया हूं। एक गरीब ने अपना अज़्म पूरा कर दिया, आप अपनी जिद पर कायम रहिएगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। रुक जाओ अनवर, कहां जा रहे हो? आप पूछने वाले कौन होते हैं? मैं तुम्हारा बाप। बाप? आप बाप नहीं सिर्फ शाजी हैं। बाप होते तो जात पात की कुर्बान गा पर बेटे की मोहब्बत तो कुर्बान ना करते। मैं मजबूर हूं अनवर। तो मैं भी मजबूर हूं शाजी। मैं ऐसे घर में हरगिज नहीं आना चाहता जहां सात बरादरी के रिश्तों के सामने उनके रिश्तों की अहमियत नहीं। लेकिन लेकिन तुम अब कहां जाओगे? रानी को अपनाने, वो तो पराई होने वाली है। अगर मेरा जज्बा सच्चा है तो वो किसी की नहीं हो सकती। वो आज भी इस वक्त इस हालत में मेरा इंतजार कर रही होगी। और अगर ऐसा ना हुआ तो ये मेरी मोहब्बत की हार होगी और चेहरे पर हार की नदामत लिए मैं इस घर में कभी नहीं आऊंगा। अनवर, अगर तुम जीत भी गए तब भी वो किसी की इज्जत की मौत होगी और रानी के रूप में किसी की इज्जत का जनाजा उठाकर तुम इस घर में दाखिल नहीं हो सकते। ठीक कहा आपने, जहां से मेरी मोहब्बत का जनाजा उठा है और जहां से जनाजा उठता है वहां दफन नहीं किया जाता शाजी। इसलिए हार या जीत दोनों सूरतों में मैं आपके लिए मर चुका हूं। शाजी, छोटे शाजी को रोक लीजिए। जाने दो करीम, मुझे यकीन है रानी इसकी बन न सकी और दुनिया से सहारा न देगी। ऐसे मजबूर होकर वापस आना पड़ेगा, वो आएगा और जरूर आएगा। ये पानी का इंतजाम कर दिया है ना? कर लिया। अच्छा, अंदर
अपने घर में। अस्सलाम वालेकुम। तुम्हें रानी बेटी की शादी मुबारक हो शरफू। तुझे मुबारक। सुना है तुम्हारा दामाद बहुत बड़ा जागीरदार है, रानी बेटी उसे घर जाकर राज करेगी। बस दुआ कर भाई। अच्छा का दूल्हा बूढ़ा है? हाँ खाना, सारा गांव कह रहा कि रानी का दूल्हा कब्र में पांव लटकाए बैठा है। चलो चलकर रानी का दूल्हा देखें। तो ये है जागीरदार इकराम शाह। मेरी बेटी और इस बुढ़े का क्या जोड़? लेकिन अब क्या हो सकता है, बारात आ चुकी है। अगर बारात वापस लौट गई तो मेरी बेटी को कोई ब्याहने नहीं आएगा, कोई ब्याहने नहीं आएगा। रानी, मुझसे मुंह ना मोड़ो रानी। याद नहीं, चंद रोज पहले मैंने तुमसे कहा था कि ये हमारी आखिरी मुलाकात है, और तुमने मुझसे कहा था, अनवर, अब जब भी मैं तुम्हारे सामने आऊंगी दुल्हन के रूप में आऊंगी। इसमें ना तुम्हारा कसूर है, ये तो मुकद्दर का खेल है रानी। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम यहाँ से चले जाओ, अनवर, चले जाओ, तुम्हें मेरी कसम। अनवर, अगर इस वक्त रानी तुम्हारे साथ चली जाए तो तुम उससे शादी कर लोगे? जवाब दो अनवर, क्या तुम रानी से शादी कर लोगे? जी जी जी। वादा करो अनवर। मैं वादा करता हूँ। जा बेटी, अनवर के साथ चली जा, भाग जा यहाँ। क्या कह रही हो माँ, किस दिल से कह रही हो? औलाद भी तो ममता का दिल होती है, मैं किस दिल से इस दिल का खून होते हुए देख लूँ? नहीं माँ, नहीं, मैं अनवर के साथ चली गई तो तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह जाओगी। और तुम्हारी बर्बादी की दास्तान चेहरे पर लिए मैं किसी को क्या मुंह दिखाऊंगी? हमारी तो दो रोजा जिंदगी है बेटी, आज नहीं तो कल मर खप जाएंगे। लेकिन तुम्हारे सामने पहाड़ जैसी जिंदगी पड़ी है, और जागीरदार इकराम का बुढ़ापा तुम्हारी जवानी का कहां तक साथ दे सकेगा? दस्तूर तो यही है बेटी कि माएं अपनी इज्जत, हट धर्मी और इज्जत पर अपनी बेटियों की जिंदगी कुर्बान कर देती हैं। लेकिन आज मैं तुम्हें अनवर के साथ भाग जाने का कहकर इस दस्तूर को तोड़ती हूँ, ताकि आइंदा माएं अपनी बेटियों को माँ ही की नहीं औरत की नजर से भी देखें। नहीं माँ, माँ ये क्यों बोलती हो? औरत तो नाम ही कुर्बानी का है, बेटी बनती है तो माँ बाप की खुशियों पर अपना सब कुछ लुटा देती है, बहन बनती है तो भाई की खुशियों पर अपनी जान दे देती है, और माँ बनती है तो औलाद पर अपना सब कुछ कुर्बान कर देती है। लेकिन मैं भी तो माँ हूँ, अगर आज मैं अपनी बेटी की खुशियों पर अपना सब कुछ कुर्बान कर रही हूँ तो तुम हैरान क्यों हो? माँ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे ऐसा मत कहो, मुझे ऐसा नहीं होगा माँ। ऐसा सोचती हूँ तो बाबा का मासूम चेहरा मेरी आंखों के सामने घूम जाता है, उनकी भीगी हुई आंखें मुझसे शिकायत करने लगती है। वो आंखें माँ, जिन्होंने मेरे राज के ख्वाब देखे थे। माँ, मैं चली गई तो बाबा जीते जी मर जाएंगे, उनके ख्वाब बिगड़ जाएंगे। माँ माँ, मैं बाबा की खुशी पर अपनी खुशियां कुर्बान करने का हौसला रखती हूँ, मुझे यह हौसला मत छीना। रानी, मेरी बेटी माँ, अनवर से कह दो वो चला जाए। माँ, रानी, अनवर जा चुका है। जाने क्या था अपने रब से, दुनिया दीवाने कहते हैं।
से तू तो आगे ही रहती है, तेरे माथे पे झूमर चमके, तेरे माथे पे झूमर चमके, तेरा आंचल घूंघट बन जाए, तेरा आंचल घूंघट बन जाए, बाब तो तकदीर बस ना चल पाए, बाबुल की दुआ गर पूरी हो, बाबुल की दुआ गर पूरी हो, हर लड़की रानी बन जाए, हर लड़की रानी बन जाए। भैया को इस बुढ़ापे में शादी की क्या सूझी? तू क्यों कुड़ रही है माँ? अरे तेरे लिए कुड़ रही हूँ, ये कमबख्त ना आती तो भैया के पास सारी जायदाद का तू ही वारिस होता। माँ अरे तू और तुम्हें क्यों खड़ा, जा जाके देख बारात कितनी दूर है। बारात ही को देख रहा हूँ माँ। रानी की माँ, तुम्हारी बेटी बेवा हो गई,
हमारे सारे ख्वाब बिखर गए राजी की माँ। देख अब तू मुझसे लड़ेगी कि मेरा इतना कसूर तो नहीं है ना। मैंने तो अपनी बेटी के राज करने के ख्वाब देखे, मुझे क्या मालूम था ख्वाबों का जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं होता। तो बोल ना राजी की माँ, तू मुझसे लड़ा राजी की माँ। ये सब क्या हो गया बाबा, ये सब क्यों हुआ? इसे खुदा की मसले है समझ ले बेटी, ना अपनी ताकती। हम गरीब लोग इसी के सहारे बड़े से बड़ा सदमा बर्दाश्त कर लेते हैं। तू भी बर्दाश्त कर ले बेटा, तू भी बर्दाश्त कर। तो एक बात बता, तू यहाँ खुश तो है ना? तुझे कोई तकलीफ तो नहीं? नहीं तो बाबा, मेरी नंद तो मुझसे बड़ा प्यार करती है, मेरा बड़ा ख्याल रखती है बाबा। ले बेटा, तेरे लिए गुड़ और चने लाया था, तुझे पसंद है? हाँ बाबा, बहुत पसंद। बाबा मैं तो तुम्हें पानी भी नहीं पूछा, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए शरबत लाती हूँ। ना बेटी, मैं चलता हूँ, मैं चलता हूँ बेटी। नहीं बाबा बैठो, ना शरबत पिए बगैर नहीं जाने दूंगी। बैठो ना बाबा, बैठ जाओ, अभी आती हूँ। तेरा बाप बड़े टसले बहा रहा है, उसे पता नहीं था कि वो जिससे तेरी शादी कर रहा है वो कब्र में पाँव लटकाए बैठा है। हाँ हाँ, इसीलिए शादी की होगी जवान बेटी की बुड्ढे से, कि साल दो साल में मर जाएगा, फिर दामाद की दौलत से दोनों बाप बेटी बैठकर ऐश करेंगे। चला गया तेरा बाप, ये बदबू की गड्डी किसने ले रखी है? बाबा लेकर आए थे। गुड़ और चने, यहाँ इंसान रहते हैं, कोई जानवर नहीं, समझी? चोरों के किसे दिखा रही है, देखने वाला मर गया। ये शरत मुझे मेरे करीब ना आया करो। मुझे करीब आने दो, मेरे करीब आने से तुम्हारी तमाम परेशानियां खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। तकदीर पे बस ना चल पाए।
बाबुल की दुआ गर पूरी हो, बाबुल की दुआ। तुम यहाँ क्यों आए हो? हाँ बैठ। आग लगा दी होगी। सारा लोगों के तानों से तंग आ गया होगा। अरे बाबा, लोग ठीक ही तो कहते हैं। उसने अपनी बेटी की दिवाली का हाथ बुढ़ापे के हाथ में सिर्फ इसलिए दे दिया था कि शायद उसका बुढ़ापा ऐश में गुजर जाए। मर भी इसीलिए गया कि इकराम शाह की बहन ने सरफू के मंसूबे पर पानी फेर दिया। दौलत भी ना मिली और बेइज्जत भी हो। ऐसी जिंदगी से तो मौत ही बेहतर है। अच्छा हुआ मर गया। मैं मर चुका अपने रानी बेटे के लिए भी, जिसकी जिंदगी मेरे ख्वाब हमने लूट ली। मैं मर चुका हूँ। उसकी लाश तक न मिली, सब कुछ जाकर राख हो गया। हाँ आओ भाई, आओ चलो चले। यहाँ तो कुछ नहीं रहा, सब कुछ जल कर राख हो गया है बेटी। तू कहाँ जाएगी? अब कौन है तेरा इस दुनिया में? इस जिंदगी से तो मौत बेहतर है, मौत बेहतर है। ये पेशा छोड़ चुकी हूँ।
खानदान से ताल्लुक रखती हो। चलो तो मैं तुम्हारे घर छोड़ा। घर? मेरा कोई घर नहीं, कोई सहारा नहीं। फिर तो मैंने बहुत अच्छा किया। लड़कियां तो जोर टंगल रखी हैं सर, इस खुंडे के साथ माँ बाप ने बाधा बन गई। परेशानी की कोई बात नहीं, बैंडेज कर दी है, अब तुम आराम करो बेटे। और हाँ, अपने घर का पता बता दो, मैं तुम्हारी माँ को इतला कर दूँ। घर? माँ? ना मेरा कोई घर है, ना मेरी कोई माँ। तुम्हारे वालिद? वो मेरे लिए मर चुके हैं। तो क्या तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं? जी, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, लेकिन अभी सब कुछ क्यों मुझ नहीं है। खुदा बेटे, जब तुम्हारे इस दुनिया में है नहीं कोई, तो फिर तुम कहां जाओगे? तकदीर जहां ले जाए। तो फिर ये समझो कि तकदीर तुम्हें मेरे घर ले आई है। जी जी, मैं समझा नहीं। आज के बाद मैं तुम्हारी माँ। तो क्या आपका इस दुनिया में कोई नहीं? इस बड़ी कायनात में मेरा सिर्फ एक बेटा है, सलीम। कहाँ है वो? हम तुम्हारा दोस्त है, दोस्त, फ्रेंड, फ्रेंड। हम लोग कोई दलाल लोग नहीं हैं। नो नो नो, हम तुमसे रेट नहीं पूछा, हम सिर्फ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, यू नो इंफॉर्मेशन, जस्ट इंफॉर्मेशन। इंक्वायरी ऑफिस ये है, इंक्वायरी, इस पर इंक्वायरी मारो। मार डाला, मार डाला, अब मर भी चुको कट्टो। आई जाइए शेर साहब, अब आप लोग जाइए, मेरी बेटी मुजरा नहीं करेगी। आए, कैसे नहीं करेगी भाई? ओ आई सी, तो देखिए भाई, आप लोग प्लीज यहाँ से चले जाए, आज कोई मुजरा उजरा नहीं होगा, प्लीज गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट। यस, थैंक यू जेंटलमैन। सॉरी सॉरी। तशरीफ रखिए, बताइए क्या सुनेंगे, ठुमरी, दादरा या भीम तलासी? सत्य अलासी। अरे तुम इसके अलावा कुछ आता है कोई ऐसा गीत? यानी यानी कोई ऐसा दिल में उतर जाने वाला
चुभता हुआ गीत जिसे सुनकर हर आंख नम हो जाए। ठीक साहब, जहाँ लोग रोने नहीं हंसने आते थे। ओह नो नो नॉट एट ऑल, हमारा सेठ साहब इधर सिर्फ रोने के वास्ते आते हैं ऐसे इसलिए कि इनके पास आंसुओं के अलावा अल्लाह का दिया सब कुछ है। यस, शी इज राइट। सेठ साहब आप खुद ही तकलीफ कीजिए और ऐसा गीत सुनाइए कि लोग आंसू गैस और सुई गैस सबको भूल जाए। हंसने आते हैं। अब आप लोग भी तशरीफ ले जाइए। याद रखने को कुछ ना रहा, भूल जाने को कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं।
पंछी भले खुद ही दे दूंगी। जैसे आपकी मर्जी। सामने माँ। अरे बेटे तुम अभी तक क्यों जाग रहे हो? आपके बेटे से तारफ। तारफ? नशे में धुत निगाहों और डोलते कदमों से क्या तारफ करोगे बेटे? जी तो क्या सलीम शराब पीता है? और उस बाजार में भी जाता है जहाँ तवाइफें रहती हैं। और आप उसे कुछ नहीं कहती? क्यों? इसलिए कि मैं उसे कुछ कहना नहीं चाहती। क्यों माँ? हर क्यों का जवाब तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था बेटे। जवाब तो तुम्हारे बेटे सलीम का भी नहीं है माँ। हो आपकी तारीफ? ये अनवर है, तुम्हारा हूँ बोला भाई। अरे किसने बोला भाई? मैंने इसे अपना बेटा बना लिया है। क्यों माँ, क्या एक बेटे से गुजारा नहीं हो रहा था? आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। बड़ा दुख हुआ ये जानकर ये मेरी माँ की ममता का एक हिस्सेदार पैदा हो गया। ओके माँ। शायद सलीम साहब को मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं आया माँ। अरे तुम भी किसकी बातों में आ गए? ये नशे में ऐसी ही बेतु की बातें किया करता है। वैसे दिल का बुरा नहीं है, तुम अपना दिल मैदा नहीं करो। जाओ जाकर सो जाओ। शाबाश। ये दवाइयाँ इस्तेमाल कराना शुरू कर। ये दवाइयाँ कितने की होंगी डॉक्टर साहब? ये तकरीबन 300-400 रुपए की। 300-400 रुपए? ए बेटी 300-400 की क्या बात है तुम्हारे लिए? माशाल्लाह जवान हो, खूबसूरत हो। आमना ने जवानी में कुछ नेक काम किया होगा जिसके सिले में खुदा ने उसे बुढ़ापे में तुम जैसा सहारा दिया है। अरे घर में इलाज के लिए पैसा नहीं है तो फिक्र किस बात का है बेटी? तू तो एक रात में हजारों कमा सकती है। नहीं 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 बेटी, मुजरा नहीं करेगी। ए जो लड़कियां मुजरा करती हैं क्या वो अपनी माओ की बेटियां नहीं होती क्या? पूछो रानी से, तुम्हारी रानी सुबह से दवाओं के लिए भटक रही है।
वो दवाएं जिनसे तुम ठीक हो सकती हो किसी ने से भीख में भी नहीं दी। खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ। तुम मेरी बेटी को बरगला रही हो, तुम निकल जाओ, तुम सब निकल जाओ, लाते निकल जाओ। तुम्हारी कभी जीत नहीं, अंदर चलो। जिसके दरवाजे पर भी गई तो उन्होंने मेरे आंसू के बजाय मेरी जवानी को देखा, मेरे सवाल उनका सदा लगाई, भूखी नजरों ने शिकारी बनकर जवाब दिया। मेरे इल्तिजा ने जिसका भी दामन थामा तो उसकी हविज ने मेरा हाथ पकड़ दिया। आज मैं उस बाजार से बड़ी मुश्किल से अपनी सर बचाकर इस बाजार की पनाह में आई हूँ, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी माँ, हिम्मत नहीं हारी। मैं अपनी जिंदगी बेच कर भी तुम्हारे लिए खुशी खरीदूंगी माँ, खुशी खरीदूंगी। मैं तुम्हारी खातिर अच्छा करूंगी माँ। नहीं 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 जान बचाने के लिए गुनाह की इजाजत है, भूख से मरते इंसान के लिए हराम हलाल है। जिंदगी की खातिर छोटी कसम खाई जा सकती है तो खुदा की कसम, तकदीर ने जिस गुनाह और सवाब के चंग पर मुझे लाखड़ा किया है वहां ये बेहद सवाब है और इसकी कमाई हलाल है। मैं बुझा करूंगी।
गीत है, आज तक नहीं सुना। आज मेरे पास और दौलत होती तो वो भी तुम पर निछावर कर देता। कौन होता? बड़ा अजीब सवाल किया है तुमने, कौन आता यहां? तमाशबीन। क्या मैं शक्ल से तमाशबीन नहीं लगता? नहीं। यूं तो शक्ल से तवायफ तुम भी नजर नहीं आती हो, लेकिन जानती हो कभी कभी लोग उस नाम से भी पुकारे जाते हैं जो उनके असल नाम नहीं होते। तुम्हारा असल नाम क्या है? रानी। अच्छा, तो तुम्हारे राज के ख्वाब थे जो कभी तुम्हारे बाबा ने देखे होंगे। हाँ। और वो ख्वाब पूरे नहीं हुए होंगे? तुम्हें कैसे मालूम? इसलिए कि ख्वाबों की ताबीर हमेशा उलट होती है। हाँ, फिर जब माँ बाप और शोहर का साया सर से उठ गया होगा तो सुल्तान ने जायदाद पर कब्जा करने के लिए अपने बेटे से मिलकर एक नाटक खेला। एक रात वो मेरे कमरे में घुस आया ताकि मैं किसी को मुंह दिखाने की काबिल ना रहूं, लेकिन लेकिन मैं वहां से अपनी सर पर जाकर भाग गई। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? लेकिन तुम्हें मेरी कहानी से क्या? दरअसल मुझे ऐसी कहानियां अच्छी लगती हैं। लोग यहाँ गाना सुनने आते हैं और मैं कहानियां सुनना चाहता हूँ। अच्छा, मैं फिर आऊंगा और तुम्हारी अधूरी कहानी मुकम्मल कर जाऊंगा। बाय। कौन है तू? पहचाना नहीं तो इन आंखों में झांक कर देख, जिन्होंने रानी बिटिया के राज के ख्वाब देखे थे और उन ख्वाबों की ताबीर इस घर में ढूंढनी चाहिए थी, लेकिन इस घर ने मेरी बिटिया को क्या दिया? बेवगी, जिल्लत, रुसवाई। तू शर्फू है, रानी का बाप? रानी का बाप मैं उस वक्त था जीनत, जब मैं उसकी माँ की मौत की खबर सुनाने इस घर में आया था और तुम्हारा जुल्म और ज्यादती देखकर वापस लौट गया था। तो अब यहाँ क्या लेने आए हो? रानी तो यहाँ से चली गई। रानी यहाँ से चली गई, तुम भी यहाँ से चले जाओगे। मैं अपनी बेटी पर की गई एक एक ज्यादती का बदला लूंगा, तो मैं कुत्ते की मौत मारूंगा। शर्फू, अरे तब बोल कुत्ते। मैं कह तो यहां से चला जा वरना मेरे हाथों तेरा खून हो जाएगा। बेगैरत, खून गैरत के सवाल पर गैरतमंदों के हाथों होता है। तू क्या खून करेगा? तुझे अपने खून की पहचान नहीं है। मुझे पता तूने कौन सा हाथ मेरी बेटी की इज्जत पे डाला था। इन्हीं हाथों ने मेरी बेटी की असमत को तब कटाओ। तू भी मुझसे बचकर नहीं जाएगी। तूने मेरी बेटी पर बहुत जुल्म किया है। सो जाओ माँ, इन दवाइयों में नींद की दवा भी शामिल है। सो जाओ।
प्यास से आ रहे हैं। प्यास में फिर वही दूध दे रही हूँ। दुनिया की भूख है, भूख ही तो अक्सर अपनी ही जुबान में मचलेगा। जब माँ के लिए दवा, अब पेट के लिए रोटी ना होगी। मैं वो गीत सुनने नहीं आया, वो कहानी मुकम्मल करने आया हूँ जो उस दिन अधूरी रह गई थी। वैसे अगर आप इजाजत दें तो मैं यहीं बैठकर सुनाई देता हूँ। नहीं नहीं, अंदर तशरीफ ले आइए। थैंक यू। हाँ तो उस दिन आपने कहा था कि फिर वो लड़की अपनी इज्जत बचाकर उस घर से भाग आई। यकीनन उसने खुदकुशी की कोशिश भी की होगी और फिर उसकी मुंह बोली माँ ने उसे बचा लिया। फिर एक रोज उसे अपनी मुंह बोली माँ की जिंदगी बचाने की खातिर इस कोठे की जीनत भी बनना पड़ा होगा। फिर उस लड़की की दुख भरी सदा ने कैसे शख्स के पैर थाम लिए जो अपने मरहूम बाप की बेपनाह दौलत यूं ही खर्च कर रहा था। उसे वो लड़की बहुत अच्छी लगी, इतनी अच्छी कि उस लड़के की रातों की नींद भी हराम हो गई। फिर अपने दिल के हाथों मशगूल होकर उसने अपनी माँ से कहा। क्या कहा? यही कि वो उस लड़की से शादी करना चाहता है। नहीं साहबजादे, अगर आपकी वालदा रजामंद है तो आप उनसे कहिए लड़की का रिश्ता मांगने के लिए उन्हें लड़की की माँ के पास आना होगा। जी, मेरी माँ और यहाँ? नवाज साहब, इस घर की लड़की को अपने घर की इज्जत बनाकर ले जाने का हौसला है, लेकिन अपने घर की इज्जत को यहाँ भेजने का हौसला नहीं। सवाल बेटे के हौसले का नहीं, सवाल माँ की ममता का है कि वो अपने बेटे की खुशियों की खातिर किस हद तक और कहाँ तक जा सकती है। जी यही तो देखना है नवाब साहब, इस बाजार की लड़की को सीने से लगाकर सिर्फ वही घराना रख सकता है जो रिश्ते की बात करने के लिए यहाँ आने का हौसला रखता हो। अपनी वालदा से कह दीजिएगा रानी से शादी की पहली और आखिरी शर्त उन्हें रिश्ते के लिए यहाँ आना होगा। लेकिन कुछ न कहिए, मैं कुछ नहीं सुनूंगी, सिर्फ आपकी वालदा की मुंतजिर रहूंगी। माँ, मैं शादी नहीं करूंगी, शादी नहीं करूंगी। मेरी जान, ये शादी नहीं एक सौदा है, बाइज्जत और पुरवकार जिंदगी गुजारने का। अरे बेटे मुझे बता तो सही, कहाँ जा रहा है मैंने तेरे रिश्ते के? बेगम साहबा, अगर इस फाके को इजाजत हो तो मैं बताऊं। बताओ। किसी लड़की के यहाँ। क्या हुआ, क्या बताया? खामोश, मुझे मम्मी से कुछ प्राइवेट बात करनी है, जाओ तुम दोनों यहाँ से। नॉनसेंस। प्राइवेट? क्या वो लड़की किसी प्राइवेट जगह पे रहती है बेटे? नहीं नहीं मम्मी, वो एक्चुअली बात ये है कि वो दरअसल। क्या दरअसल, कुछ कहो तो सही मेरे बेटे। मम्मी, रानी उस बाजार की तवायफ है, वो बहुत बड़े खानदान की लड़की है मम्मी, लेकिन हालात ने उसे वहां पहुंचा दिया। तो क्या आपको ये मंजूर नहीं, क्या आज आप मेरी ये ख्वाहिश पूरी नहीं करेंगी? मम्मी, आपने तो मेरी कभी नाजायज से नाजायज ख्वाहिश भी नहीं टाली, आपको वहां जाना होगा मम्मी, और अगर आप वहां नहीं गई तो फिर मैं मर जाऊंगा। दवा खा लो। मैं अंदर आ सकती? आप? आपको किससे मिलना है? मैं सलीम की माँ। मैं अपने बेटे का रिश्ता लेकर आई हूँ। जी जी क्यों नहीं, आइए तशरीफ लाइए। तो ये रानी है जी। माशाल्लाह, बड़ी प्यारी बच्ची है, अपने बेटे की पसंद पे दाद देने को जी चाहता है। हाँ बहन, मुझे ये रिश्ता मंजूर है और आप भी इनकार नहीं कर सकेंगी
इसलिए कि मैंने आपकी शर्त पूरी कर दी है। रहा सवाल कि हमारा घराना कैसा है, माशरे में हमारा क्या मकाम है, तो इन तमाम सवालों का जवाब आपके हमारे घर आने से ही हल हो सकता है। इस इतवार को मेरे बेटे की सालगिरह है, आप सालगिरह में भी शरीक हो जाइए और हमारा घराना भी देख लीजिए, जहां आपकी बेटी हमारी बहू बनकर जा रही है। मगर मेरी भी एक इल्तिजा है बहन, वो ये कि रानी मेरे ही घर में दुल्हन बनेगी और बारात यहां नहीं आएगी। मेरी भी यही ख्वाहिश है। इस बाजार में तो उन लड़कियों की बारात आती है जो इस माहौल से ताल्लुक रखती हो। रानी तो वैसे भी मेरे पास आपके समाज की अमानत है। रानी मेरी बेटी नहीं। मैं जानती हूं, मेरा बेटा मुझे सब कुछ बता चुका है। अच्छा बहन, अब इजाजत दो, इतवार को सलीम आप लोगों को लेने आएगा, तो उसी दिन हम शादी की तारीख भी पक्की कर लेंगे। अच्छा बेटी, खुदा हाफिज। इनकार निकलना बेटे, अगर तुम इनकार कर दिया तो मैं समझूंगी तुम मुझे मां नहीं गैर समझती है। फिर रानी मैं एक नजर उसे देख तो लूं। नहीं, उसने अगर आपको देख लिया तो आपके साथ जाने से उसे मैं भी नहीं रोक सकूंगी। आप चले जाइए और उसे उसे यही समझ दे दीजिए कि आप दुनिया में नहीं है। लेकिन इतना कीजिए शर्मा भाई, चले जाइए। अपनी बेटी को कितनी बार यतीम करेंगे, कितनी बार रुलाएंगे, चले जाए। आपको आपकी बेटी की कसम। कौन आए तुम? बेटे बुजुर्ग बाबा आए थे और तुझे दुआएं देकर गए। राज करेगी, ये दुआ तो मेरे पापा की कबूली हो। माँ उस बुजुर्ग की क्या हो? नहीं बेटे, जरूर होगी बेटी। माँ माँ क्या हुआ? माँ उनसे बात हो गई ना? हाँ बेटे, मैंने उनकी हर शर्त मंजूर कर ली। ओ मेरे प्यारे प्यारे बहन, दोनों भी बहुत अच्छी मम्मी, आज तुम की अच्छी लगी। मम्मी बताओ ना क्या बात हुई? पागल हो गया है, पागल हो गया है। बता तो रही हूँ, मैंने उनकी हर शर्त मान ली है। अच्छा मम्मी, सिर्फ ये है कि बारात उस बाजार नहीं जाएगी बल्कि उस तवाइफ को इसी घर में दुल्हन बनाया जाएगा। ये नामुमकिन है माँ। आपको क्या हो गया माँ? बेटे की जिद में एक तवाइफ को भू बनाने का फैसला कर लिया है। अनवर तुम्हें क्या हो गया है? तुम किस हैसियत में अपनी औकात से बड़ी बात कर रहे हो? देखो सलीम, जब से माँ ने मुझे अपना बेटा बनाया है मैं तुम्हारी नफरत का शिकार हो रहा हूँ। मैं तुम्हें अपने भाई समझता हूँ और तुम मुझे अपना दुश्मन तसव्वुर करते हो। सवाल ये नहीं कि हम एक दूसरे को क्या समझते हैं, सवाल ये कि सारा शहर तुम्हारे भरूम बाप सेठ शाहबुद्दीन के घराने को जानता है। इस घर की बहू उस बाजार की तवाइफ बनेगी तो लोग क्या कहेंगे सलीम? तुम इस घर के मामलात में दखल दो, यह हक तुम्हें किसने दिया है? मैंने। तो फिर इसकी मदाखलत अपने यहां तक महदूद रखो मां, और अगर इसने मेरे जाती मामला में टांग अड़ाने की कोशिश की तो मैं इसकी टांगे तोड़ दूंगा। जुबान को लगाम दो। इससे यह भी कह दो मां कि मेरे बाप के गम में घुलने के बजाय अपने उस इज्जतदार बाप की फिक्र करे जिसका नाम आज तक छुपाता रहा है। इसके बाप का क्या नाम है, ये कौन है, तुझे इससे कोई गर्ज नहीं। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि इसे मैंने अपना बेटा बनाया है और ये भी मुझे अपनी माँ समझता है। किसी मुंह बोली माँ के गले बन जाने से बाप का नाम नहीं मिल सकता। माँ मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये किसी भिखारन की झोली में पड़ी हुई किसी ऐसे रईस दादे की खैरात है जिसका नाम इसके बाप का नाम नहीं हो सकता। बेटे ठहरो, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। नहीं, मैं क्या करूं मां, आपकी मोहब्बत मुझे जाने नहीं देती, सलीम की नफरत मुझे यहां से रहने नहीं देती। सलीम बेटे, सलीम बच्चे। मां
अच्छा अम्मा साहब, खुदा हाफिज। डॉक्टर साहब जी फरमाइए। मिस्टर पास आइए। डॉक्टर साहब जब से मैं इस घर में आया हूँ सलीम पर ये तीसरा अटैक है और आप कहते हैं मामूली सा दर्द है लेकिन हर अटैक पहले से ज्यादा शदीद है। आप उसे हॉस्पिटल में दाखिल करने की एडवाइस क्यों नहीं करते हैं? अस्पताल में इससे बेहतर ट्रीटमेंट नहीं हो सकता मिस्टर अनवर। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ। कोई कुछ नहीं कर सकता बेटे, ना डॉक्टर ना अस्पताल और ना दवा। कोई बात जरूर है माँ जो आप और डॉक्टर के दरमियान है और आप मुझसे छुपा रही हैं। अगर मैं तुम्हें सब कुछ बता भी दूं बेटे तो तुम ये समझोगे कि मैं शायद तुम्हें सलीम की वो तमाम हरकत बर्दाश्त करने के लिए कह रही हूँ जो मैं खुद करती हूँ। मगर मगर मेरी बात और है बेटे, मैं तो उसकी माँ हूँ। मेरी बात भी और है माँ, मैं भी सलीम को भाई समझता हूँ। मुझे कसम है इस कलाम पाक की, अगर सलीम की बीमारी का तकाजा है कि उसकी जायज और नाजायज ख्वाहिश पूरी की जाए तो मैं कसम खाता हूं इस कलाम पाक की कि मैं उसकी हर ख्वाहिश हर खुशी भाई भाई से पूरी करूंगा। मेरे बच्चे तुम इतना बड़ा दावा कर बैठे हो तो एक बात का और वादा करो कि सलीम की बीमारी का जिक्र किसी से नहीं करोगे। मैं आपसे वादा करता हूँ माँ और अब आपसे ये पूछने का हक भी रखता हूँ कि सलीम को ऐसी कौन सी बीमारी है जिसके सामने आप तो क्या डॉक्टर भी बेबस हो गया है। सलीम ब्लड कैंसर का मरीज है बेटे। ब्लड कैंसर? हाँ ब्लड कैंसर, और उसकी जिंदगी सिर्फ 3-4 माह की है बेटे। 3-4 माह? हाँ आज तो तुम जान गए हो बेटे। सलीम तो वाइफों के कोठे पे जाता था, मैं उसे क्यों नहीं रोकती थी? वो पैसे लुटाता था तो मैं उसे क्यों नहीं रोकती थी? और वो एक तो वाइफ से शादी करना चाहता था, मैं उस पर भी रजामंद हो गई हूं बेटे। अनवर बेटे मेरी जिंदगी की ये ख्वाहिश है कि सलीम अपनी जिंदगी के ये चंद रोज अपनी खुशी से बसर करे, अपनी खुशी से गुजार दे वो मेरा बच्चा। हाँ। आज के बाद सलीम अपनी जिंदगी के एक एक लम्हे का खुद मालिक होगा और अंदर और अंदर भाई बनकर सलीम की हर खुशी की निगरानी पूरी करेगा। माँ मरता भी नहीं, मर जाऊं तो तेरी लाइन क्लियर हो जाए। अगर याद रख मैं तुझको मार कर ही मरूंगा। नहीं सलीम, तुम जिंदा रहोगे। मैं तुमसे माफी मांगने आया हूं। माफी मांग कर ही तेरा इस घर में गुजारा हो सकता है, वरना प्यारे मैं तो इस घर में तेरा जीना हराम कर दूंगा। मुझे माफ कर दो सलीम, मैंने तेरे साथ बड़ी ज्यादती की है। जैसा तू चाहेगा वैसे ही होगा। वो तो होगा, तेरी शादी वही होगी जहां तू चाहेगा। मैं कसम खाता हूं। ना 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 ना, तू कसम ना खाना भैया। तो रोक सकता है
तू रोक ले, ये लो दवा खा लो, तेरे लिए ज्यादा जागना ठीक नहीं है, सो जाओ। सोच लो, कहीं हमेशा के लिए सुलाने का चक्कर तो नहीं? हाँ भाई, तेरा क्या एतबार? वैसे एक बात बता दूं, मैं मरूंगा नहीं, मैं मरूंगा नहीं। इस खुशी के मौके पर आंखों में आंसू। खुशी का मौका? हाँ, आज मेरे सलीम की 25वीं सालगिरह है, आखिरी सालगिरह। रानी आ गई। ये मेरा बेटा अनवर है, सलीम का मुंह बोला भाई। सलीम बेटे, बहुत देर हो गई, आओ केक काटो, मेहमान इंतजार कर रहे हैं। ओ यस, वाकई बड़ी देर हो गई। आइए आप लोग, प्लीज आइए आप लोग, सब लोग आइए। Happy long life to me. क्यों जल गए? अपनी अपनी किस्मत की बात है प्यारे। किस्मत ही की बात है, किस्मत संवारने का सिर्फ एक ही रास्ता है अनवर। दुआ करो कि ऐसा एक और अटैक मुझ पर हो जाए, फिर मैं तुम्हारे रास्ते से साफ हो जाऊं। और खुदा के वास्ते सलीम, खुदा के वास्ते तुम भी तो अपना चेहरा कंट्रोल करो अनवर, वरना सब जान जाएंगे कि तुम जल रहे हो, कर रहे हो। दिल का चोर पकड़ा जाए तो आंखों में नदामत का ऐसा ही रंग उतर आता है जैसा इस वक्त अनवर साहब की आंखों में उतर आया। सलीम बेटे, रानी से मेहमानों का तारफ नहीं कराया, चलो मैं कराई देती हूँ। रानी मेरी होने वाली बहू है, अनकरीब रानी और सलीम की शादी होने वाली। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। सलीम की माँ अपना बेटा और सलीम का भाई कह रही थी, ये वही अनवर है, वही जिसे मैं प्यार करती हूँ। हाँ, मुझे आज भी रानी से मोहब्बत है। शक्ति ने मुझे अनवर से मिला दिया है माँ, मिला दिया है। अब मैं रानी से भी छुटना नहीं चाहता, वो मुझे लेने जरूर आएगा, जरूर आएगा। अब अनवर क्या आएगा बेटी, सारा बाजार सो चुका है। नहीं माँ, नहीं होगा, जब आसार जाग रहा था तो उसने यहाँ आने की हिम्मत ही नहीं होगी। जिसमें बाजार से आग मिलाने का हौसला नहीं, उसे तुमसे शादी करने की हिम्मत कहाँ? सोचो बेटे। किसी और का इंतजार था जी? जी
वो उस वक्त कहा था जब तुमने मेरी माँ से शादी का फैसला किया था। फैसला मैंने वहां नहीं किया था। लेकिन अगर तुम्हें रिश्ता मंजूर नहीं था तो तुमने इनकार क्यों नहीं किया? इसलिए कि मैं नहीं जानती थी जिसे मैंने ख्वाबों में खो दिया था वो हकीकत में मेरे सामने आया। कौन है वो? अनवर। अनवर? हाँ। लेकिन तुम्हारी कहानी में अनवर का जिक्र कहीं नहीं था। कसूर तुम्हारा है सलीम, तुम मेरी कहानी मुकम्मल करते वक्त अनवर को क्यों भूल गए? तुमने कहा था ना कि तुम मेरी कहानी मुकम्मल करोगे और यकीनन मेरी कहानी अनवर से मुकम्मल होती है। रानी, मैंने कहा था कि मैं तुम्हारी कहानी मुकम्मल करूंगा और इसलिए मैंने फैसला किया है कि तुम्हारी कहानी अनवर का नाम काटकर सलीम का नाम लिख दूंगा। अब मेरे रानी के दरमियान मजबूरी की कोई दीवार नहीं। मुझे कसम है इस कलाम बाकी, अगर सलीम की बीमारी का तकाजा है कि उसकी जायज और नाजायज ख्वाहिश पूरी की जाए तो मैं कसम खाता हूं उस कलाम बाकी कि मैं उसकी हर ख्वाहिश हर खुशी हर बात पूरी करूंगा। अनवर, सलीम, क्या यह सच है कि रानी तुम्हारी जिंदगी थी, वो तुम पर मरती थी और तुम उससे मोहब्बत करते थे, फिर हालात ने तुम दोनों को एक दूसरे से जुदा कर दिया? ये सब कुछ क्यों कर हुआ मुझे इससे कोई वास्ता नहीं। मैं तो सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि जिस तरह जो मेरा हाथ छुड़ाकर तुम्हारा हाथ थामना चाहती है तुम भी यही चाहते हो। नहीं, इसलिए नहीं कि तुम्हारे हाथ में पिस्तौल है और तुम्हारी उंगली की हल्की सी जुम्बश मुझे मौत की नींद सुला सकती है, बल्कि इसलिए कि मैं तुम्हें अपना भाई समझता हूं और तुम्हारी हर खुशी की निगरानी का अहद कर चुका हूं। जाओ सलीम, तुम्हारी खुशी पर मैं अपनी मोहब्बत कुर्बान करता हूं। मौत सामने हो तो बुजदिल और कमजोर भी शराफत और ईमान की माला जपने लगते हैं अनवर। हाँ, मौत सामने है सलीम। अगर तुम्हें जरा भी गैरत होती तो मौत की आंखों में आंखें डालकर कहते कि रानी तुम्हारी, उसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता, मैं भी नहीं। मौत की आंखों में आंखें डालकर कह रहा हूं सलीम, रानी तुम्हारी है मेरी नहीं। तो फिर जाओ, जाकर उससे कहो कि मौत के खौफ से तुमने उसका ख्याल अपने दिल से निकाल दिया है। उससे कहो कि वो तुम्हें भूल कर मेरी दुनिया में वापस लौटा है। जहां आने का उसने मेरी मां से वादा किया था। मैं वहां नहीं जाऊंगा। तुम्हें वहां जाना पड़ेगा अनवर। सलीम सोच लो, तुम्हारी मौत और जिंदगी के दरमियान सिर्फ हाँ या नहीं आए ले। हाँ नहीं से रानी गई है, मुझे डर था इसे अटैक जरूर होगा। अनवर बेटे, जैसे भी हो जाओ, जाकर रानी को साथ ले आओ। तुम्हें मेरी कसम, तुम्हें सलीम की मुख्तसर जिंदगी की कसम, अब तुम ही बताओ इसमें मेरा क्या कसूर? कसूर तो तुम्हारा उस वक्त भी नहीं था जिस वक्त तुमने मुझसे मोहब्बत की थी, इसलिए कि मोहब्बत करना कोई गुनाह नहीं।
कसूर तो तुम्हारा उस वक्त भी नहीं था जब तुमने अपने बाबा के ख्वाबों पर मेरे प्यार की हकीकत को कुर्बान कर दिया था, इसलिए कि मशर की लड़कियां अपने माँ बाप के सब पर अपनी मोहब्बत को अक्सर कुर्बान कर दिया करती हैं। अब मैं जिंदगी खातर भी वो मोहब्बत जीत लूंगी, लेकिन मैं अपनी मोहब्बत हार चुका हूं रानी। तो क्या तुम उससे उस मजबूरी का इंतकाम लेना चाहते हो जिसने शादी की रात मुझे तुम्हारे साथ जाने से रोक दिया था? इंतकाम नफरत से लिया जाता है, मोहब्बत से नहीं। और मैंने तुमसे मोहब्बत की है तो फिर उसी मोहब्बत का वास्ता मुझे यहां से इतनी दूर ले चलो जहां हम मजबूरियों से आजाद हो। ये नामुमकिन है रानी, जरा गौर से सोचो, क्या मेरे और तुम्हारे मिलन के हाथ तुम्हारी मुंह बोली माँ की दी हुई जबान की संजीवों से बंधे हुए नहीं है? तो क्या तुम अपनी मोहब्बत को अपने मुंह बोले भाई के आंसू पर कुर्बान कर दोगे? मैंने तो मोहब्बत पर घर बार और पाप को कुर्बान कर दिया था, भाई की हकीकत क्या है? तो फिर ऐसी कौन सी मजबूरी है जो तुम्हारे पाप के रिश्ते से भी बड़ी है? ऐसी कौन सी दीवार है जो तुम्हारे घर की चार दीवार से भी ऊंची है? सच बताओ रानी, अगर तुमने इस कलाम पाक पर हाथ रखकर अहद किया होता कि तुम मुझे नहीं अपनाओगी तो क्या तुम यह तोड़ देते? लेकिन मैंने तो कोई अहद नहीं किया। सिर्फ मेरे सवाल का जवाब दो। एक तरफ यह कलाम पाक होता और दूसरी तरफ मेरी मोहब्बत, किसका इंतखाब करती? जवाब दो रानी। इस कलाम पाक पर मोहब्बत तो क्या पूरी कायनात की खुशियां कुर्बान की जा सकती है, लेकिन मैं इस पाक कलाम की कसम खाकर यह अहद कर बैठा हूं रानी कि भाई बनकर सलीम की हर खुशी पूरी करूंगा। मैं उसकी ख्वाहिश के रास्ते की दीवार कभी नहीं बनूंगा। इस वक्त उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश तुम हो। ये तुमने क्या किया अनवर? ये सब कैसे हो गया? कैसे हो गया? जो कुछ हुआ वो कोई नई बात तो नहीं रानी। मोहब्बत करने वालों के तो दरमियान कभी समाज हायल हो जाता है और कभी खुदा। समाज से तो टक्कर भी ली जा सकती है, शिकवा भी किया जा सकता है, लेकिन खुदा से शिकवा कर बैठा तो जवाब भी खुद ही देना पड़ेगा जो मैं न दे सकूंगा। लेकिन मैं क़यामत के रोज़ खुदा से जरूर सवाल करूंगी कि वो कभी कभी अपने मासूम लोगों को इतने बड़े इम्तिहान में क्यों डाल देता है, क्यों डाल देता है? शर्फू भाई, क्या हुआ बहन? शादी की तारीख तय हो गई? तारीख तय हो गई। तुमने इत्मीनान तो कर लिया है ना? खानदान अच्छा है कि मेरी बेटी को तकलीफ तो नहीं होगी? नहीं, सब कुछ देख लिया है। सेठ मरहूम शहाबुद्दीन के घराने को कौन नहीं जानता? यकीन जानो शर्फू भाई, बेगम शहाब का घर तुम्हारे उन ख्वाबों की ताबीर साबित होगा जो तुमने रानी बिटिया के लिए देख रखे थे। खुदा का शुक्र है बहन, बस मेरी बच्ची की शादी हो जाए ना तो मैं अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूं। मैं ये आंख में चोरी खेलने के लिए थक गया। शादी कब है बहन? परसों है भैया। परसों? हाँ। आप ना बहन। जी भैया। क्या ये नहीं हो सकता कि मैं अपनी बच्ची को दुल्हन बने देख सकूं और किसी को पता ना चले, मेरी बच्ची को भी नहीं? हाँ, क्यों नहीं हो सकता, मैं सब इंतजाम कर लूंगी, आप आ जाइएगा। पर आपके जनाजे को कांधा दिए बगैर ही चले जाओगे क्या? इससे पहले कि मुझे तुम्हारे अहद की कब्र में दफना दिया जाए,
आखिरी बार मेरी सूरत नहीं देखोगे? देखो तो सही, तुम्हारी रानी शादी के इस कफन में कैसी लग रही है? कफन नहीं, तुम्हारे बाबा की ख्वाबों की ताबीर है। ये जनाजा नहीं, तुम्हारे बाबा की आरज़ू की तकमील है रानी। जिस बाप के ख्वाबों पर मैंने तुम्हारी मोहब्बत कुर्बान की थी, वो मुझसे बिछड़ चुके हैं, मर चुके हैं। लेकिन ख्वाब कभी नहीं मरते, वो अपनी ताबीर की तलाश में भटकते रहते हैं। और हमें अपने बुजुर्गों के ख्वाबों को ताबीर नहीं पड़ती है। ताबीर अच्छी हो या बुरी, ये हमारी किस्मत है रानी। तो फिर आज किस्मत के फैसले से नजर चुराकर क्यों जा रहे हो? हिम्मत से देखने की हिम्मत नहीं थी तो ऐहद निभाने की कसम क्यों खाई थी? तुमने हौसला हार दिया तो रानी तुम्हारा ऐहद निभाने का हौसला कहां से लाएगी? तुम अभी इस घर से चले गए तो रानी इस दुनिया से चली जाएगी। नहीं रानी, तुम जिंदा रहोगी रानी। तुम्हारी जिंदगी के लिए मैं अपने इस मौत के मंजर को बर्दाश्त कर लूंगा। पाका कहाँ मर गया है? जाओ जाकर उसे बुलाओ, कितने काम पड़े हैं। आइए आइए शाहजी। सलाम अलैकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। शुक्र है भतीजे की शादी पर भाभी तो याद आई आपको। जब तक मेरे मियाँ जिंदा थे खूब बचपन की दोस्ती निभाई आपने, उनके मरने के बाद कभी मैं याद नहीं आई। क्या बताऊँ भाभी, आपको यकीन है कि वो जरूर आएगा? वो इंस्पेक्टर, हम बड़ा इंटेलिजेंट आदमी है, हमको पूरा पूरा यकीन है कि शर्फुदर जरूर आएगा, बल्कि अभी अभी आएगा। सलीम की शादी है। सलीम की? आपने तो कहा था कि सलीम किसी वक्त भी मर सकता है, क्योंकि उसे खून का सरतान यानी कि ब्लड कैंसर है। सरतान? तो क्या मेरी बेटी भी बेवा हो जाएगी?
हिम्मत कर शर्फ, हिम्मत कर। आज हिम्मत हार गया तो तेरी रानी बेटी हमेशा हमेशा के लिए बेवा हो जाएगी। बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलीमुद्दीन वल शहाबुद्दीन, आपको रानी बेगम बिनते शर्फू। शादी नहीं हो सकती। तुम शादी रोकने वाले कौन होते हो? रानी का बाप। रानी, रानी बिटिया, रानी बिटिया, रानी। मेरी बच्ची। बाबा तुम सुनता। हाँ बिटिया, ये जिंदगी तेरी जिंदगी के लिए मां से भीख मांगी है बेटिया। मैंने ख्वाब देखना छोड़ दिया। मेरे ख्वाबों की तारीफ बहुत भयानक होती है बेटी। हाँ, अपने उसी झोपड़े में वापस लौट चले जो गरीब माँ बाप की बेटियों का मुकद्दर होता है। हाँ बेटा। नहीं शर्फू भाई, सुहाग का जोड़ा पहनकर बेटियां बाप के साथ में शौहर के साथ जाया करती हैं। ये सुहाग का जोड़ा नहीं, बेलगी का कफन है नगीना भाई। इससे पहले कि किस्मत एक बार फिर मेरी रानी को मेरे ख्वाबों के महल में, जहां मैंने उसके राज करने के ख्वाब देखे थे, दफन कर दे, मैं अपनी बिटिया को वापस ले जाऊंगा। मुझे अपनी बेटी के लिए बड़ा घर और अमीर दामाद नहीं चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं शर्फू, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। माना कि तुम रानी के बाप हो, अगर मैं तुम्हारे होने वाले दामाद की माँ हूँ, अब हमारी इज्जत का सवाल है शर्फू। बेगम साहबा, सवाल अगर सिर्फ आपकी इज्जत का होता तो मैं अपनी जिंदगी कुर्बान कर देता, लेकिन सवाल मेरी बिटिया की जिंदगी का भी तो है। जरा सोचिए, कहाँ आप कहाँ हम, झोपड़ों में रहने वालों को महलों की हवा रास नहीं आती। मगर शर्फू भाई, ये शादी आपकी मर्जी से हो रही है, आप सब कुछ जानते हैं। यही तो दुख है नगीना भाई, सब कुछ नहीं जानता। अगर सब कुछ जानता होता तो उसी दिन अपनी बिटिया को लेकर कहीं दूर चला जाता, जिस दिन तुम इसकी शादी की तारीख लेकर मेरे पास आई थी। शर्फू, तुम रानी को लेकर यहाँ से नहीं जा सकते। तुम्हें रानी को रोकने का हक किसने दिया? रानी की मुंह बोली माने, जिनकी रजामंदी से ये शादी हो रही है। शादी जिंदगी की जिंदगी से हुआ करती है लड़के, मौत से नहीं। वही जो मैं कहना नहीं चाहता और कहने पर मजबूर किया जा रहा है। आ बेटी चले। तुम्हें बताना होगा। मैं नहीं बताऊंगा। तुम्हें अपनी रानी बिटिया के खत्म। तो सुनो, तुम किसी वक्त भी मर सकते हो, आज अभी इसी वक्त, इसलिए कि तुम्हें खून का कैंसर है। हो सकती है? नहीं,
शादी अब भी होगी और इस बार तुम भी इस शादी के रास्ते में दीवार नहीं बन सकते। रानी ने ठीक ही कहा था कि उसकी कहानी मेरे नाम से नहीं तुम्हारे नाम से मुकम्मल होती है। और मैं तो तुमसे नफरत करता था, तुम्हें अपना दुश्मन समझता था, मगर तुम्हें तो मुझसे अंदर देती ना, तुम तो मुझे अपना भाई समझते थे। तेरी राग तुमने मुझसे क्यों छुपाया, बोला नूर क्यों छुपाया? इसलिए सलीम कि मैंने इस राज को छुपाने का अहद किया था। मोहब्बत के लिए अहद तोड़ देते अनवर। नहीं, मोहब्बत के लिए भी नहीं तोड़ सकता था सलीम, इसलिए मेरा अहद इंसान से नहीं कुरान से था। तो फिर एक अहद और करो अनवर, शर्फू बाबा ने अपनी बेटी के राज के भाव देखे थे, तुम उनकी ताबीर बन जाओ अनवर, और रानी की बारात बड़ी धूमधाम से ले जाना, और मुझे पे बस ना चल पाए, बाबुल की दुआ गर पूरी हो, बाबुल की दुआ गर पूरी हो, हर लड़की रानी बन जाए।